नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें, कुछ ये मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, लेकिन मन में एक ख्वाहिश जो हर व्यक्ति के अंदर होती है वो ये है कि हमारी आँखों की रोशनी हमेशा अच्छी रहे। तो आज मैं आपको टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, जिसको यूज़ करेंगे आप तो आपकी आँखों की रोशनी हमेशा अच्छी रहेगी, अच्छे से दिखेगा, दूर का अच्छे से दिखेगा और पास का भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आपको चश्मा लग रहा है पास का या दूर का, तब भी आप ये 2 मेडिसिन यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आँखों की रोशनी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आम तौर पे, एक्चुअली में विज़न होता है, जैसे हम कितना दूर तक देख पाते हैं या कितने पास का भी हम पढ़ पाते हैं। तो एक एरिया होता है जहाँ तक एक ह्यूमन आई देख पाती है, या एक एरिया होता है जहाँ तक एक ह्यूमन आई पास का पढ़ पाती है। उसके बाद अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो धुंधला हो जाएगा। तो मोस्टली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपको दूर का दिखना कम होने लगता है या पास का दिखना धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी कभी बच्चों को भी ये समस्या होती है, या कम एज में भी आपको ये समस्या होने लगती है। आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, और जिसके कारण आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, लगातार आ रहा है, जिसके कारण आपको पास का दिखना कम हो गया है या धुंधला दिखता है, पढ़ने में तकलीफ होती है, सर दर्द होने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए और आँखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए और आँखों के लिए 2 सबसे बेहतरीन दवा आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है फाइसोस्टिग्मा। पिक्चर आपको दिख रही है फाइसोस्टिग्मा की, और नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा। जब आप ये मेडिसिन मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि ये दवा नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत अच्छी है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको रात में धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है, या शाम से धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है, या अगर कलर अच्छे से आपको दिख नहीं रहे हैं, तो ये दवा बहुत अच्छी है। ये दवा ग्लूकोमा होने से रोकती है, या ग्लूकोमा किसी को है तो उसे धीरे धीरे ये ठीक करती है। आँखों में बहुत ज़्यादा धुंधलापन दिखाई देता है, पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अक्षर बहुत ज़्यादा धुंधले दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ दूर का भी अगर आपको धुंधला दिखाई देना चालू हो गया है, तो यह दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। शॉर्ट में, अगर आपकी एज 40 है और आपकी आँखों में धुंधला दिखाई देना चालू हो गया है, तो इस दवा का उपयोग चालू कर दीजिए। अगर आपकी एज कम है और आपको अपनी आई विजन इम्प्रूव करनी है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थोड़ा सा भी अगर विजन ब्लर हो रहा है, चाहे पास का चाहे दूर का, तो ये दवा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ये दवा आपके आँखों के पर्दे के लिए भी अच्छी दवा है, और पर्दे में अगर कमज़ोरी आ गई है तो ये दवा ठीक करती है। अगर आई स्ट्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आँखों में दर्द होता है आपको पढ़ने में, या इसके कारण सर दर्द होता है, तब भी फाइसोस्टिग्मा बहुत ही बढ़िया दवा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आँखों की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन में से एक है। तो आज मैं टॉप 2 मेडिसिन बताऊँगा, एक आई ड्रॉप भी बताऊँगा। कुछ पता चल गया आपको? अगर पता चल गया तो मैसेज सेक्शन में उस मेडिसिन का नाम मैसेज करिएगा, और साथ में आपको फाइसोस्टिग्मा तो बता ही रहा हूँ। तो फाइसोस्टिग्मा सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन मुझे लगती है आँखों की, अगर आपको विजन को इम्प्रूव करना है, या अभी से आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, या आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या आपका काम है पढ़ना, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा बल पड़ रहा है, जिसके कारण स्ट्रेन बहुत आ रहा है, जिसके कारण धुंधला दिखना चालू हो गया है, फाइसोस्टिग्मा ज़रूर यूज़ करें। तो फाइसोस्टिग्मा को आपको 30 CH में यूज़ करना है। पिक्चर आपको दिख रही है, फाइसोस्टिग्मा 30 CH में यूज़ करें, 2 बूंद पिएं। ये आँखों में डालने के लिए नहीं है,
ये मैं पहले ही बता दूँ। तो दो बूंद आपको पीना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डेली भी पी सकते हैं, एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आराम से इसे लगातार ले सकते हैं और बहुत लंबे समय तक भी आप इसे ले सकते हैं। डेली भी ले सकते हैं, समय कम हो एक दिन छोड़ के एक दिन आप फाइसोस्टिग्मा टेटी दो बूंद सुबह सुबह पिए। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसे आप कब तक लें? तो दोस्तों, अगर आपको मायोपिया है, पास का धुंधला दिख रहा है, दूर का धुंधला दिख रहा है, ब्लर विजन की प्रॉब्लम है, एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, या आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है, या आप कंप्यूटर इंजीनियर कुछ भी ऐसा करते हैं जो लैपटॉप, आजकल के बच्चे तो मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी ये दवा अच्छी है। और आपको ये दवा लगभग एक महीने तक लेनी चाहिए। अगर आपके विजन इम्प्रूवमेंट दिखे, थोड़ा सा अच्छा लगे, आँखों से थोड़ा अच्छा दिखना चालू हो जाए, और अगर सर दर्द होता है तो वो भी कम हो जाए, तो ऐसा अगर कोई सिम्टम दिखता है कि हाँ मुझे फ़ायदा कर रही है ये दवा, तो आप इसे कम से कम 6-7 महीने ज़रूर लीजिए और आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप, जिसको मैं सिनेरिया मैरिटिमा ही बोल देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये आई ड्रॉप बहुत अच्छी है दोस्तों, डॉक्टर रेक्वेक की ही लेनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, डॉक्टर रेक्वेक की सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप नहीं मिल रही है। तो अगर नहीं मिलती है तो विदाउट एल्कोहल वाली शॉबे की यूज़ कर लें। दोनों की ही पिक्चर आपको इस वीडियो में दिख रही है। सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप अगर आप आँखों में डालते हैं, कितना डालते हैं मैं आखिरी में बताऊंगा, पहले बताता हूं, अगर आप आँखों में डालते हैं तो विजन इम्प्रूव होता है और 100% इसके रिजल्ट्स हैं। बस थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पेशेंस से आपको ये दवा डालनी होती है। धीरे धीरे आपका जो विजन है वो इम्प्रूव होगा, धुंधला दिख रहा होगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट हैं आप और आपकी आँखों से धुंधलापन आपको दिखना चालू हो गया है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत पढ़ते हैं जैसा कि मैंने बताया, और आँखों में बहुत बल लग रहा है, आई स्ट्रेन की समस्या है, आँखों से पानी भी निकलता है, बहुत ज़्यादा आई एलर्जी की भी समस्या है आपको, आँखों से पानी निकलना, आँखों में खुजली होना, ये सब समस्या है, तब भी ये दवा बहुत ही बढ़िया दवा है आपके लिए। और अगर आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है, दूर का अच्छे से नहीं दिख रहा है, पास का आप पढ़ अच्छे से नहीं पा रहे हैं, धुंधलापन है, तब भी ये दवा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। आपको लंबे समय तक यूज़ करना है तो विदाउट एल्कोहल वाली सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप ही यूज़ करें। दो बूंद आँखों में डालें सुबह और शाम को, दोनों आँखों में डालिएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, लंबे समय तक आप इसे यूज़ करिए। दो बूंद आँखों में सुबह शाम डालिए, पहले एक महीने तक यूज़ करें, अगर आपको अच्छा लगे, विजन इम्प्रूव होता हुआ दिखे और आपके आँखों को अच्छा लगने लगे, आपकी आँखों में जलन जो है, चुभन जो है, दर्द जो बना रहता है, सर दर्द जो है, ये सब समस्या थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, तो मेडिसिन डालते रहें। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक डालें, ये बहुत ही बढ़िया दवा है, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, अच्छी मेडिसिन है, लगातार यूज़ करें, इससे विजन इम्प्रूव होगा। और अगर मायोपिया की प्रॉब्लम है, दूर दृष्टि दोष है, या पास निकट दृष्टि दोष है, तो धीरे 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 ये दृष्टि दोष आपके ठीक हो जाएगी और आपके लेंस भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा, बहुत ही क्लियर विजन होगा और आपको अच्छा दिखेगा, दूर का दिखेगा, और आँखों में अगर एलर्जी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप आँखों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके बारे में आपको पहले भी आपने अगर सर्च किया हो यूट्यूब पर तो आपको जानकारी मिली होगी। इससे मुझे याद आया कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके समस्या है, जैसे मान लीजिए हेडेक हो रहा है तो हेडेक डालिए, उसके बाद मेरा नाम ज़रूर डालिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो हेडेक और डॉक्टर कीर्ति विक्रम उसका सर्च करिएगा, काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस आएंगे, देख के आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो ज़रूर जब भी सर्च करें डॉक्टर कीर्ति विक्रम डालें अगर आपको मेरे वीडियोज़ देखने हैं तो। और हाँ, इससे और याद आया कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए हमेशा और बेल आइकन दबा के रखिए, इससे आपकी कंसल्टेंसी फ्री होगी। आप मुझे ईमेल आईडी में, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिख रहा है, kirtivikramsinghpariyar@gmail.com, वहाँ पर जाके ईमेल करिए, आपका नाम, आपका प्रॉब्लम और
सेंड कर दीजिए, साथ में एक स्क्रीनशॉट डालिएगा इसी वीडियो का या किसी और मेरे वीडियोस का, जहाँ पर मुझे पता चले कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको मैसेज करूँगा। कंसल्टेंसी का मैसेज भी आ सकता है, अगर आया तो पे करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ये हो गई। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, ये तो आपसे गुजारिश करना भूल ही गया था, ये इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, सिनेरिया मैरिटिम आई ड्रॉप आपको 165 रुपीस की मिलती है। अब तो सब कुछ मैं बता ही दिया हूँ कैसे यूज़ करना है, तो बस प्राइस बताया। ये होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिलेगी। फाइसोस्टिग्मा आप डॉक्टर रेक्वेक की यूज़ करिएगा, बहुत बढ़िया डायल्यूशन में आपको मिलेगा, उसका क्वालिटी अच्छी है। या शॉबे की यूज़ करिएगा, अगर डॉक्टर रेक्वेक की लेंगे तो 11 ml की 130-140 रुपये की आएगी, अगर शॉबे की लेंगे तो 100 रुपये की आएगी 30 ml की। तो बस ये मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए, यूज़ करिए, थोड़े दिन लगातार यूज़ करिए, आपकी आंखों की रोशनी 100% इम्प्रूव होगी। बहुत बढ़िया दवा है, पढ़िएगा ये दोनों ही मेडिसिन। आप जब फाइसोस्टिग्मा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये दवा आई के लिए बहुत अच्छी है। तो ज़रूर पढ़िएगा सिनेरिया और फाइसोस्टिग्मा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़े हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं जिन्हें चश्मा लगता है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।